बांदा में लोकसभा के चुनाव की मतगणना को लेकर मंडी समिति में दिन भर गहमागहमी रही। जैसे जैसे दिन का पारा चढ़ता था वैसे वैसे प्रत्याशी और उनके समर्थकों का भी पारा चढ़ रहा था। कभी भाजपा के प्रत्याशी के आगे तो कभी गठबंधन आगे के लुकाछिपी का खेल शाम तक चलता रहा। मतगणना शुरू होने ऐसे ही आधा घंटा पहले ही कुछ को छोड़कर सभी दलों के उत्साहित प्रत्याशी और उनके समर्थक ने मोर्चा संभाल लिया था। मतगणना स्थल पर सुबह 7:30 बजे प्रत्याशियों और उनके समर्थक अपने कैंप में बैठ गए। मतगणना आगे बढ़ी तो भाजपा को छोड़कर सभी दलों के प्रत्याशियों के हौसले पस्त हो गए। बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट पर भाजपा के आर.के. पटेल ने 4779299 वोटों ऐसे ही जीत हासिल कर भाजपा का परचम लहराया। तो वहीं गठबंधन प्रत्याशी 58938 पर ही सिमट कर रह गए। इस चुनाव में नोटा चौथे उम्मीदवार के रूप में रहा। 8 उम्मीदवार के बीच नोटा चौथे नंबर पर रहा। छोटे दल और निर्दलीयों पर नोटा भारी रहा। भाजपा के प्रत्याशी की जीत के बाद देर रात तक जीत जश्न मनाया गया। स्थानीय संकट मोचन मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किया और आतिशबाजी भी की गई। अनुराग तिवारी की रिपोर्ट।